हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, मींस आरएक्स लेके चलेंगे हम रिएक्टेंट साइड, और रिएक्टेंट साइड हम आरएक्स लेके चलेंगे, उससे हम क्या बना सकते हैं, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नाउ इससे पहले हमने डिस्कस क्या किया था, हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा कम हमने कंटेंट उठाया है वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। देखो, फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पहले तो हमें एक पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हम इस एल्काइल हैलाइड में वन बाई वन करके स्टडी क्या करेंगे। सबसे पहले हमने किया कि एल्काइल हैलाइड को हम क्या कैसे तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद हमारा जो आज का कंटेंट, आज से जो कंटेंट स्टार्ट होगा वो होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब क्या होगा, आरएक्स को हम रिएक्टेंट में लेके चलेंगे और फर्दर हम उससे क्या बना सकते हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे सिलेबस में कौन सी, जरा चेक कीजिए। जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे डिटेल में, एक पढ़ेंगे हम SN1 और एक पढ़ेंगे हम SN2। ठीक है, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से CBSE बोर्ड में, CBSE या कोई भी बोर्ड है हमारा, 2 मार्क्स का कन्फर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जितने भी हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो SN1 और SN2 की रीजनिंग चलेगी वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसको जरा ध्यान से देखना। अब होगा क्या, यहाँ पे हम पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में तुम्हें बताएंगे डिटेल में। ठीक है, फिर उसकी दो टाइप होगी SN1 एंड SN2, फिर इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर सारा कुछ जानने के बाद हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, जरा चेक कीजिए, यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी करेंगे, यहाँ पे 10 अप्रोक्सीमेट 10 रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद नाउ जब ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे बीटा एलिमिनेशन अल्फा एलिमिनेशन की होती है। ठीक है, इस कंटेंट के बाद फिर हमारा केमिकल प्रॉपर्टी में चलेगा ये कंटेंट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नाउ थर्ड जो होगा हमारा वो होगा रिएक्शन विद मेटल। अब रिएक्शन विद मेटल में हम पढ़ेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिजेंट। ठीक है, हम यहाँ पे RMGX बनाएंगे, ग्रिगनार्ड रिजेंट के होता है हमारे पास RMGX, ये प्रश्न में ऑलरेडी कर चुके हो तुम। ठीक है, नाउ उसके बाद फोर्थ जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो होगी हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टीज और आएगी, ठीक है, अक्सर एग्जाम में नहीं पूछी जाती फिर भी हम करके चलेंगे इसको, नेक्स्ट होगी हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, नाउ यू विल चेक, पहले तो क्लियर करो कि हम आप चैप्टर में आगे करेंगे क्या। हमारा जो अगला कंटेंट हम लेके आएंगे वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, मीन्स रिएक्टेड में हम एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे और उसको ट्रीट कराएंगे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएजेंट के साथ, फिर हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी है दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो टाइप होगी, एक होगी SN1 और एक होगी हमारे पास क्या SN2। पहले हम आज है ना डिस्कस कर लेंगे SN1 और SN2 के बारे में। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम 10 रिएक्शनें पढ़ेंगे एक ही पैटर्न की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। फिर हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल, जिसको हम क्या बोलेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट तैयार करना सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल और नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आज हम अपना कंटेंट उठाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंडर हम ये डिस्कस करेंगे SN1 एंड SN2। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज
हेडिंग लगाई है न्यूक्लियोफिल, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ यू विल चेक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जरा ध्यान से देखना, सो सिंपल। देखो होगा यहाँ पे क्या कि हमें पता है हम रिएक्टेंट के अंदर क्या लेके चलेंगे, आर एक्स, ये तो लेके चलेंगे आर एक्स एल्काइल हैलाइड। जरा चेक कीजिए आर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा कि आर के अंदर कार्बन प्रेजेंट होगी, वो फर्दर किसी के भी साथ जुड़ सकती है, कितना भी बड़ा ग्रुप हो सकता है, कितना भी छोटा ग्रुप हो सकता है, साइड चेन भी हो सकती है, मीन्स प्राइमरी भी एल्काइल हैलाइड हो सकता है, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी, ठीक है। उसके बाद होगा क्या सीन यहाँ पे कि यहाँ पे ये जुड़ा होगा किससे, हैलोजन फैमिली के साथ। अब यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, देखो कार्बन और हैलोजन फैमिली में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होती है, हैलोजन फैमिली की। अब होगा क्या सीन यहाँ पे कि जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, हैलोजन फैमिली की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ऐसा करने से होगा क्या, इसके ऊपर आएगा पार्शल नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शल पॉजिटिव, ठीक है। अब होगा क्या रिएक्शन, ये है हमारा सबस्ट्रेट, ये है हमारा सबस्ट्रेट। अब रिएक्शन में कहीं न्यूक्लियोफाइल होगा, अब न्यूक्लियोफाइल आया कहाँ से, हम इसके अंदर क्या डालेंगे, केमिकल। जैसे सपोज करो हमने इसके अंदर KOH डाल दिया, सपोज करो हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, KOH, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ से क्या रिलीज हुआ, OH नेगेटिव। अब इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये क्या माना जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा, ठीक है। तो होगा यहाँ पे क्या सीन, जनरल वे से बताता हूँ तुम्हें कि अब देखो रिएक्शन के अंदर है न्यूक्लियोफाइल, अब जरा ध्यान से देखना। अब हुआ क्या कि न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल गया इसके ऊपर अटैक करने का, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके इसको पूरा का पूरा मौका मिल गया है इसके ऊपर अटैक करने का, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, होगा कुछ यूं कि हम, होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच, और यहाँ से क्या निकल जाएगी, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, चार बॉन्ड ऑलरेडी है, पांचवा बॉन्ड यहाँ से आया, क्या कार्बन पांच बॉन्ड बनाती है, नो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। तो होगा क्या सीन, यहाँ से हैलोजन यहाँ से जाना पसंद करेगी अपने इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ से क्या चली जाएगी, हैलोजन फैमिली जा चुकी है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके। अब मैं बोल सकता हूँ, देखो हैलोजन यहाँ से गई तो मैं हैलोजन को यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, दिस वन इज द लिविंग ग्रुप, दिस वन इज द लिविंग ग्रुप, ठीक है। और बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, आयोडीन, उसके बाद कौन सा ग्रुप होता है, ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन, ठीक है, दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। आयोडीन अच्छे से जाना पसंद करेगी, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, जल्दी ब्रेकअप होगी और जल्दी से हो जाएगी बाहर, ठीक है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप हमारा आयोडीन माना जाएगा। नाउ यू विल चेक, दोबारा से देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या होया कि इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया पुराने न्यूक्लियोफाइल को। देखो ये नया न्यूक्लियोफाइल, ये पुराना न्यूक्लियोफाइल, इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, तभी तो हमने इसका उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो हुआ क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पार्शल नेगेटिव, और उसके ऊपर क्या चार्ज आया, पार्शल पॉजिटिव। अब इसको पूरा मौका मिला इसके ऊपर अटैक करने का, जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चलता बना, ठीक है, मीन्स ये एक्स नेगेटिव की फॉर्म में जा चुका है, इसको बोलूंगा मैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। और मेरे पास बन के क्या तैयार हो गया, कार्बन, और यहाँ पर अटैच क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इन जनरल पैटर्न से हुआ क्या, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर एक्स न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, गिव्स टू आर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है, यहाँ से एक्स जा चुकी है, ठीक है, क्लियर हुई बात, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब हुआ यहाँ पे क्या कि भाई हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो लिख, हमने समझ लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पे क्या सीन होता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की, दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये फ्रंट साइड से अटैक करे या किससे अटैक करे, बैक साइड से। इसी के बेसिस पे इसकी कितनी कैटेगरी है हमारे पास, टू। अब इसी के बेसिस पे इसकी कितनी कैटेगरी होगी हमारे पास, टू। एक तो जाएगा ये SN1 में, एक जाएगा SN1 में, और एक जाएगा SN2 में, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करते हैं ऐसा हुआ क्यों, जरा देखिए दोबारा से, ठीक है, ये SN1 और SN2 में क्यों गया, ठीक है। अब देखो हम ट्रिकी फॉर्म से करते हैं, देखो हुआ क्या सीन, जरा ध्यान से देखना। अब होगा यहाँ पे क्या, ये एक जनरल इक्वेशन है, आर एक्स प्लस न्यूक्लियोफाइल जो अभी हमने स्टडी करी, आर न्यूक्लियोफाइल और एक्स यहाँ से जा चुका है, ठीक है। अब देखो होगा यहाँ पे क्या सीन, देखो भाई दो पॉसिबिलिटी हो सकती है,
दो पॉसिबिलिटी क्या होगी, जरा ध्यान से देखना। मेरे पास दो कमरे हैं, मेरे पास दो रूम है, ध्यान से समझना मेरी बात। मेरे पास दो रूम है, अब देखो एक रूम तो ये है, मैं इसको लिखता हूँ रूम नंबर वन, एक मेरे पास रूम नंबर टू, ठीक है। ये ट्रिकी फॉर्म है समझने के लिए, जरा ध्यान से देखना। इस रूम के दो दरवाजे हैं, इस रूम के दो डोर हैं, एक ये डोर है ठीक है फ्रंट साइड, और एक ये डोर है बैक साइड, ठीक है। ये फ्रंट डोर, ये बैक डोर, ठीक है, ये रूम नंबर वन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बैठा हुआ है हमारा आर एक्स, इसके अंदर भी क्या है हमारा आर एक्स। देखो हमने यहाँ से यहाँ पे जाना, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो एस एन वन के थ्रू जाओ या किसके थ्रू जाओ, एस एन टू को। तो यहाँ पे देखना भाई, ये एक रूम है, ये दूसरा रूम है, इसके दो डोर है, लेकिन इसका क्या है सिंगल डोर, इसका सिर्फ एक ही डोर है। देखो अब होगा क्या सीन, हमें पता कि देखो इसके ऊपर आ चुका है पार्शल नेगेटिव और इसके ऊपर आ चुका है पार्शल पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखो पॉसिबिलिटी वन, पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, पॉसिबिलिटी नंबर वन कि हो सके कि न्यूक्लियोफाइल क्या करे कि बैक डोर से आए, पीछे से आए, और इसके ऊपर क्या कर जाए अटैक। भाई ये पीछे से आएगा और ये क्या होगा, ये फ्रंट डोर से निकल जाएगा। भाई इन इसका और इसका आमना सामना तो नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है और दोनों के ऊपर क्या चार्ज है सेम, अगर सेम चार्ज है वो क्या करेंगे दूसरे को रिपेल, क्लियर होती है बात। अब दोबारा से देखना, देखो भाई इसने बैक डोर से अटैक किया, इसने क्या किया बैक डोर से अटैक किया और ये फ्रंट डोर से निकल गया, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट इज क्या, नाउ प्रोडक्ट क्या आएगा, आर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो चुका है और एक्स जा चुका है, ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, ध्यान से देखना। अब भाई देखो न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पे है दरवाजा एक, जो अंदर जाएगा जो बाहर जाएगा एक डोर का ही तो यूज़ करेगा। तो अब होगा यहाँ पे क्या सीन, जरा देखिए अब होगा यहाँ पे क्या सीन कि पॉसिबिलिटी क्या है कि देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से भागे, ये जाए यहाँ से, ठीक है, हैलोजन यहाँ से जाए, ठीक है। जब ये जाएगी तो देखो ये बॉन्ड टूट चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, अब कार्बोकैटायन बन चुका है यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आ चुकी है, यहाँ पे बन चुका है कार्बोकैटायन। जब ये यहाँ से जा चुका है, जब ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या कर जाएगा लेफ्ट कर जाएगा, तब इसी डोर से ये आके इसके फ्रंट साइड पे क्या कर जाएगा अटैक, और जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बन के तैयार हो जाएगा दोबारा से, हमारे पास क्या बन जाएगा वही जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था सेम, इससे भी यही बना और इससे भी यही बना। फ़र्क क्या है कि फ़र्क सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैक साइड अटैक होगा और यहाँ पे क्या होगा फ्रंट साइड अटैक, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, देखो भाई जहाँ से बैक साइड अटैक होता है इस कंडीशन में क्या हुआ, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जहाँ से बैक साइड का अटैक होता है, ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं SN2 रिएक्शन, उसको क्या नाम देते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है भाई। जहाँ से बैक साइड से अटैक हुआ उस रिएक्शन को क्या नाम देंगे हम SN2, और जहाँ से फ्रंट साइड से अटैक हुआ, जहाँ से फ्रंट साइड से अटैक हुआ उसको क्या रिएक्शन देंगे SN1। अब बात आती है कि SN2 इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, देखो बायोमोलिक्यूलर, टू के लिए लगेगा हमारा बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसके लिए क्या लगेगा SN1 के लिए मोनो, ठीक है, मोनोमोलिक्यूलर, ठीक है, या यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है, मोनो बोल सकते हो या फिर यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, अभी हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, अभी तो मैंने ट्रिकी फॉर्म से बताया कि इसको हम कैसे रन करेंगे। देखो हुआ क्या, हमने यहाँ से यहाँ पे जाना, इसके दो मेथड है, हो सके कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करे बैक साइड से, ठीक है, जब बैक साइड से अटैक करेगा तो एक सिचुएशन क्रिएट होगी कि ये इधर से जाना स्टार्ट करेगा, ये पीछे से आना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही इसको पूरा छोड़ देगा तो ये अपना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम SN2। अब यहाँ पे क्या हुआ फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड में क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई ऐसे थोड़ी होगा कि ये अंदर आएगा तो फाइट पड़ेगी दूसरे में, तो बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बंदा
जो पुराना न्यूक्लियोफाइल है इसको छोड़ के जाए, जैसे ही इसको छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन कहाँ पे बनता है, SN1 में। तो यहाँ पे क्या तैयार होगा हमारा, कार्बोकैटायन। और जैसे ही कार्बोकैटायन तैयार होगा तो क्या होगा कि जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो एक जैसे ही वो जाएगा तो नया न्यूक्लियोफाइल अंदर आ जाएगा, उसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक। अटैक कहाँ से होगा, फ्रंट साइड से, ठीक है। और हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे दो अटैक देखने को मिले, एक बैक साइड से और एक फ्रंट साइड से। जहाँ पे बैक साइड से अटैक होता है उसको बोलते हैं हम SN2, जहाँ से फ्रंट साइड से अटैक होता है उसको बोलते हैं SN1। और SN1 में प्लस पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पे राइट डाउन कर सकते हैं हम, ठीक है, कि जो ये रिएक्शन होती है SN1, ये डबल स्टेप रिएक्शन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टेप रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है, डबल स्टेप। और ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन होती है सिंगल स्टेप। ये रिएक्शन कैसी होती है, सिंगल स्टेप, ठीक है। फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे कि हम एग्जाम में करके क्या आएंगे, ठीक है। तुम्हें अच्छे से क्लियर कट हो चुका है कि भाई SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। मैंने अभी तक तुम्हें दो चीज़ें बताई, एक बैक साइड अटैक, एक फ्रंट साइड अटैक। ये होती है डबल स्टेप, ये होती है सिंगल स्टेप। लर्न करने का मेथड क्या है भाई, अगर किसी के ऊपर SN1 है तो उल्टा सोचो कि वो डबल स्टेप है, अगर 2 है तो उल्टा सोचो वो कैसी है, सिंगल स्टेप, ठीक है। और जिसमें डबल स्टेप है उसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और इसमें कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। अभी हम उसको भी चेक कर लेते हैं, नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट SN2 मैकेनिज्म, अब SN2 मैकेनिज्म देखना, ठीक है। इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखना, देखो होगा यहाँ पे क्या कि हम एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, रिएक्शन समझो सेम, कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, अटैक, और ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म बताते हैं तुम्हें कि मैकेनिज्म कैसे चलेगा इसका, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज करो हमने एग्जांपल लिया, कुछ भी लगा लो, CH, और यहाँ पे लगा लो कोई भी लिविंग ग्रुप, लगा लो क्लोरीन ले लो, ठीक है, या जनरल फॉर्मूला कर लो इसका X, ठीक है। अब मैकेनिज्म जरा ध्यान से देखना, इस यहाँ एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। नाउ यू विल चेक, ठीक है। अब होगा यहाँ पे क्या सीन, जरा ध्यान से देखना कि भाई रिएक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल, हमें केमिकल भी तो डालना है, सपोज कर हमने QH डाल दिया, NH डाल दिया, तो क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव। तो भाई जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा वो क्या करेगा, इसको मौका, इस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब इसको मौका मिलेगा इसके ऊपर अटैक करने का, ठीक है। तो होगा कुछ यूं, बीच में एक स्टेट आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक स्टेट आएगी यहाँ पे, कि एक टाइम पे होगा क्या सीन यहाँ पे, कि भाई ये इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, और इसके बॉन्ड टूटने स्टार्ट होंगे किसके, एक्स के, ठीक है। और ये जो स्टेट होती है, बीच की स्टेट होती है, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। नाउ यू विल चेक, अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 1 सेकंड से भी कम को होता है। ये मतलब कि देखने पे तो लगेगी कि भाई ये बंदा यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से आगे जाएगा डबल स्टेप की, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होती है, सिंगल स्टेप। क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसका जो लाइफ टाइम होता है, इसकी जो जिंदगी होती है वो 1 सेकंड से भी कम की होती है, पलक झपकते ही एकदम से कहाँ चला जाता है, वो प्रोडक्ट में, ठीक है। अब होगा यहाँ पे क्या, जरा ध्यान से देखना, सी फाइनल प्रोडक्ट, CH और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो इसके साइड ग्रुप थे वो इधर ही साइड थे, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो वो पलट गए। जैसे हम अम्ब्रेला लेके आंधी तूफान में जाते हैं तो अम्ब्रेला फोल्ड हो जाता है, खुल जाता है उल्टा, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलती है क्या, इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन या रिटेंशन, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगी तुम्हें इन्वर्जन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे मिलेगी वाल्डन, वेरी इंपॉर्टेंट, वाल्डन इन्वर्जन, क्योंकि मैं तुम्हें ये डेफिनेशन ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे, किसके केस में, SN1 SN2 के केस में, ठीक है, SN2 के केस में क्या देखने को मिलती है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मीनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है। अब कॉन्फ़िगरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि अगर सपोज करो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, जरा ध्यान से देखना, अगर रिएक्टेंट में ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ये किस में बन गया, लीवोरोटेटरी में, ऐसे। अगर ये लीवोरोटेटरी है तो ये क्या बन गया, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्लियर होती है बात? तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हमारा SN2 मैकेनिज्म है वो क्या देता है, इन्वर्जन देता है, ऑप्शन में रिटेंशन देता है, या एक मिक्सचर देता है, या कुछ भी नहीं देता। तो हम टिक किस पे करके आएंगे, दिस गिव वाल्डन इन्वर्जन, जिसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, चेंज, ठीक है। तो यही है इसका क्या मैकेनिज्म, दोबारा से चेक कर सकते हो तुम, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो हुआ क्या, हम अल्काइल हैलाइड लेके चले, ठीक है, जैसे हमने अल्काइल हैलाइड लिया तो इसकी इसके ऊपर आ गई पोलैरिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा, तो यहाँ पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल गया इसके ऊपर अटैक करने का, इसने इसके ऊपर धावा बोल दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। अटैक करने के बाद हुआ क्या सीन कि एक टाइम पे कार्बन बनाएगी न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या बॉन्ड, और इधर से बॉन्ड टूटने स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। और ये जो स्टेट होती है ये एक सेकंड से भी कम टाइम होता है इसका, ठीक है। प्लग झपकते ही क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट बना तो एक चीज़ ऑब्जर्व हुई यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली कि अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, लीवोरोटेटरी। अगर ये लीवोरोटेटरी है जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इन सिंपल कि इस टाइप का मैकेनिज्म क्या देता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मीनिंग जब कॉन्फ़िगरेशन की हो जाती है, चेंज, ठीक है। दिस वन इज द मैकेनिज्म। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट, फिर हम इसके लिखते हैं पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। नाउ अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट डाउन कीजिए। नंबर वन, फर्स्ट, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास क्या कि जो इस रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, जो इस रिएक्शन का रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है आर एक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल। देखो इस रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो दोनों बंदों के ऊपर डिपेंड करती है, इस रिएक्शन का रेट। ये जो टर्म है तुम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे प्लस टू लेवल पे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे थोड़ा लर्न करो कि जो इस रिएक्शन का रेट है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ठीक है। दोनों के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड, ठीक है। अब देखो इसकी भी पावर वन है और इसकी भी पावर वन है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि इसका भी ऑर्डर निकाल लो तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 1+1=2, ठीक है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है, इसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है, तब भी आंसर क्या देंगे, 2। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे पास SN2 रिएक्शन है उसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम आंसर देंगे दोनों के ऊपर। दोनों जो दो बंदे हैं वो है कौन, अल्काइल हैलाइड भी एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल भी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऊपर क्या है, 2, ये ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, तो इसका ऑर्डर कितना होता है, 2। इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होती है, मोलिकुलरिटी भी होती है 2। आप कोई पूछ ले कि भाई मोलिकुलरिटी का मीनिंग क्या होता है, मोलिकुलरिटी का मीनिंग भी पढ़ोगे तुम किस में, केमिकल काइनेटिक में, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि मोलिकुलरिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो मोलिकुलरिटी का मीनिंग क्या होता है कि जब रिएक्शन चली, ठीक है, रिएक्शन चली तो रिएक्शन में कितने बंदों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चाहे वहाँ पे 10 बंदे पार्टिसिपेट कर ले, सपोज करो कोई रिएक्शन चली, एक रिएक्शन में 10 बंदों ने पार्टिसिपेट किया, एक में कर दिया 5 ने, ठीक है। हुआ क्या, देखो मैं दोबारा से बताता हूँ भाई, कोई रिएक्शन चली, यहाँ पे 10 बंदों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लेकिन जब पार्टिसिपेट किया रिएक्टेंट में, लेकिन 10 में से सिर्फ 8 ही इन्वॉल्व हुए, तो मैं बोलूँगा उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है, 2, ठीक है। यहाँ पे 4 बंदों ने पार्टिसिपेट किया, 4 के 4 इन्वॉल्व हुए, तो मोलिकुलरिटी क्या है, 4, ठीक है। तो सो सिंपल, तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2 क्यों होगी, क्योंकि इस रिएक्शन का रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी और अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी, ठीक है। इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी है हमारे पास क्या, 2। नाउ यू विल चेक नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2, सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, चलो ध्यान से देखना, इट कैरिड आउट इन ए सिंगल स्टेप, ठीक है। इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऑलरेडी पता चल चुका है। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे इसके बारे में, थर्ड पॉइंट, दिस रिएक्शन अकर इन, ठीक है,
ये जो रिएक्शन होगी किस टाइप के सॉल्वेंट में होगी, ये जो रिएक्शन होगी ये होगी एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जरा देखना, एसीटोन ले लेते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं पोलर, यहाँ पे पोलर वर्ड जरूर लिखना। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये जो रिएक्शन है भाई, रिएक्शन को चलने के लिए किसी सॉल्वेंट की जरूरत तो पड़ेगी, तो वो सॉल्वेंट यहाँ पे कौन सा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मीनिंग कि देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पोल तो होंगे पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव, लेकिन एप्रोटिक का मीनिंग क्या है कि लेकिन यहाँ पे किसी भी बंदे के पास कोई प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन का मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं इसकी जगह ये एग्जांपल लेता आर ओ एच, अब देखो पोलैरिटी तो है लेकिन ये प्रोटॉन तो दे सकता है अपना, एच पॉजिटिव तो दे सकता है, तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। क्लियर हुआ? तो सिंपल शॉर्टकट क्या बोलना है तुमने, जब ये रिएक्शन चलेगी तो यहाँ पे किस सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे यूज़ करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का, ठीक है। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट तुम क्या राइट डाउन करोगे, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि ये किस टाइप की कॉन्फिग्रेशन देता है, इट शो अभी जस्ट कुछ देर पहले किया था हमने, इट शो किस टाइप की, वाल्डन इन्वर्जन कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। ये भी क्लियर कर चुका हूँ, अगर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो बन जाएगा लीवो रोटेटरी, अगर लीवो रोटेटरी है वो बन जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट, दीज आर द फोर पॉइंट, ठीक है, इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा चेक कीजिए नंबर फिफ्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से तुम्हें रीजनिंग पता चलेगी। जरा देखिए फिफ्थ पॉइंट, अब होगा क्या, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस। यही दमदार पॉइंट है आज के लेक्चर का, ठीक है, ये समझ में आ गया तो दो नंबर पक्के। तो यहाँ पे देखिए वो कहता है कि जो SN2 रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस किस बला का नाम है, इस चीज़ को चेक करते हैं। देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जरा ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर थ्री। फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चला मैं, H, यहाँ पे कोई भी लगा लो, क्लोरीन लगा लिया। सेकंड एग्जाम्पल लेके चला मैं, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, CH3, ठीक है। नाउ यू विल अगेन चेक, थोड़ा अच्छे से देखो इसको पूरा दमदार तरीके से। देखो मैं फर्स्ट एग्जांपल लेके चलता हूँ, CH और यहाँ पे लगा लो CH। दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, CH3, यहाँ पे एक एच करूँ, यहाँ पे कर लो CH, ठीक है। नाउ यू विल चेक थर्ड, CH3, एंड एक्स। देखो अब ध्यान से देखना, देखो भाई हमें पता है ये वन एग्जांपल, ये टू और ये थ्री। देखो इन शॉर्ट ये अगर मैं बात करूं, तुम्हें क्लियर कट दूं कि चलो मैं इसको थ्री कर देता हूं और यहां भी मैं लगा देता हूं तीन आर ग्रुप और यहां पे कर लेता हूं मैं एक आर ग्रुप, ठीक है। तो एक बात जरा ध्यान से चेक करना, देखो हुआ क्या, मैं मैकेनिज्म करा चुका हूं, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव सेम, यहाँ पे पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव, क्लोरीन राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे, सेम यहाँ पे पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव। देखो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक करना, सेम कंडीशन यहाँ पे है, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक करना, सेम कंडीशन यहाँ पे है, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक करना। जरा ध्यान से देखना स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग क्या, देखो भाई न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक करना, अब एक बात देखिए जब ये अटैक करना चाहेगा ये यहाँ से अच्छे से अटैक कर सकता है, जब ये ऊपर से अटैक, यहाँ देखो यहाँ भी तो बैक साइड है, जब ये यहाँ से अटैक करेगा तो होगा क्या कि ये कार्बन क्या करेगी, अपने मॉलिक्यूल को एक्सटेंड कर देगी, फैला देगी, स्टेरिक हिंड्रेड कर देगी इसको, इसके ऊपर क्राउडिंग ला देगी, तो होगा क्या इसको मौका कम मिलेगा यहाँ से अंदर बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ ज़्यादा स्पेस है,
क्लियर। अब इसका केस लगाइए, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई तो रिएक्शन क्यों गई स्लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देखो ये तो था क्या प्राइमरी, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड था प्राइमरी, और ये कौन सा था मेरे पास सेकेंडरी, और ये कौन सा था मेरे पास टर्शियरी। अगर ये केस होता एच सिंपल एच और एच पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, अब न्यूक्लियोफाइल के पास देखो वो यहाँ से अटैक कर सकता था यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चांस कम हो गए क्योंकि यहाँ पे एक आर ग्रुप जुड़ चुका है, यहाँ पे कितने आर ग्रुप जुड़ चुके हैं दो, तो और चांस क्यों हो गए कम, यानी कि रिएक्शन की स्पीड और क्यों हो गई डाउन। यहाँ पे कितने आर ग्रुप जुड़ चुके हैं तीन, तो रिएक्शन की स्पीड इससे भी क्यों हो गई डाउन। ठीक है, तो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब होगा क्या जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे रेड ऑन करता हूँ, तो एग्जाम में क्या आता है पहले तुम लीजिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं ऑर्डर में यहाँ पे रेड ऑन करता हूँ, जरा देखिए। देखो ये क्लियर हुआ सारा का सारा कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती चली जा रही किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। अब यहाँ पे जो रेट का मीनिंग जो स्पीड होती है किसके केस में, रेट इन केस ऑफ एस एन टू के केस में। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है कि जो मेरे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एस एन टू के केस में, अगर दे दिया उन्होंने तो मैं क्या सेकेंडरी उसकी उससे हो जाएगी कम, अगर दे दिया टर्शियरी उसकी से हो जाएगी सबसे कम। ये होता है ऑर्डर, और यही ऑर्डर तुम्हें अच्छे से लर्न करना है, यही से तुम्हारे पास बनती है रीजनिंग। मैं एक बार दोबारा से शॉर्टकट बताता हूँ तुम्हें, देखो भाई देखो न्यूक्लियोफाइल ने करना है इस कार्बन के ऊपर अटैक, यहाँ से चलिए फर्स्ट केस से, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक करना तो यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, ऑब्जर्व कीजिए इमेजिन कीजिए आसानी से कर जाएगा और रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड चली जाएगी। अब यहाँ पे चलते हैं भाई, वो ये बंदा यहाँ से अटैक कर सकता है लेकिन यहाँ से इसको थोड़ी दिक्कत हो रही, क्यों इसको यहाँ से थोड़ी सी परेशानी हो रही, क्यों क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक ग्रुप लगा हुआ है, इसने अपने हाइड्रोजन को एक्सटेंड कर दिया, इसको कवर कर लिया। अब यहाँ पे दो बंदे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कितने बंदे जुड़े हुए हैं तीन, तो एस एन टू के केस में जो रिएक्शन की स्पीड है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर। अगर एल्काइल हैलाइड है हमारा प्राइमरी तो रिएक्शन होगी फास्ट, अगर है हमारा सेकेंडरी तो रिएक्शन होगी स्लो, अगर है टर्शियरी तो रिएक्शन उससे भी क्या चली जाएगी डाउन। ठीक है, और यहीं से हमारा क्या बनता है रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तुमने इस वीडियो को कम से कम 2 टाइम अच्छे से रिवाइज करना है, फिर हम इसके बेसिस पे करेंगे क्वेश्चन जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और जो हमारे किस में आते हैं बोर्ड लेवल में। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।